दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए। बेटे ये जान के मैं बोलता हूँ कि आपको थोड़ी सी मेरे से जेलसी हो और आप भी कहीं ना कहीं मन में ये सोच लो कि हम भी सारी डिग्रीज अचीव करेंगे। बेटे मेरा सपना है कि मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाऊँ और उसके लिए बड़े सारे कोर्सेज में कर रहा हूँ, कर भी चुका हूँ और आगे कर भी रहा हूँ फाइनेंस में। और बेटे आज ये जो वीडियो मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए, बेटे ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के लिए। मैंने आपको इंट्रो वाले लेक्चर में ये बताया था, या वर्किंग कैपिटल के इंट्रो वाले लेक्चर में ये बताया था कि आपको किस तरह से, किस प्रेफरेंस से मेरे वीडियोस देखने चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले देखें, फिर कौन सा देखें, फिर कौन सा देखें। बेटे ये प्रायोरिटी, ये प्रेफरेंस मैंने ऑलरेडी बताई हुई है और आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वो प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी, ज्यादा रिलेशनशिप समझ आएगी, ज्यादा लॉजिक समझ आएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं भूपेश आनंद एक कोटेशन आपके सामने लिख रही है मैंने और बताना चाहता हूं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेटे बोलने से ज्यादा असर काम करना होता है। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, आपको हमेशा बेटे कर्म करना है, फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि बेटे वर्किंग कैपिटल का ये जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का, ये इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में हमें एक ही स्टडी, एक ही लेसन, एक ही चैप्टर में दिया हुआ, चैप्टर नंबर 7। मैं भी दिखा देता हूं। और मजे की बात है कि उन्होंने इसी चैप्टर में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, जैसे मीनिंग, टाइप, डिटरमिनेंट्स, असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल, सब कुछ बेटे इसी के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिया। और मैं भूपेश आनंद, बेटे मैंने इस चैप्टर को, स्टडी नंबर 7 को, लेसन नंबर 7 को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड किया। जैसे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ कैश दिख रहा है, रिसीवेबल्स दिख रहा है, इन्वेंटरी दिख रहा है, बेटे फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल दिख रहा है। तो मैंने एक चैप्टर के 4 चैप्टर्स बनाए। बेटे ये होता है प्यार, ये होती है मोहब्बत। सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में वर्किंग कैपिटल पूरा था, तो उन्होंने वहां से कॉपी पेस्ट किया और सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के ग्रुप 2nd में लेकर आ गए, जरा सा चेंज किए बिना। तो इसका मतलब जो प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 के लेक्चर्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं, कई जगह हमने उनको ही यूज किया है क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है। तो इसमें घबराना या शर्माना या छुपाना क्या है बेटे, मैं तो साफ बात आपके सामने बता रहा हूं और इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाए कि आपको सब कुछ समझ आए, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बेटे मैंने क्या किया, इनके बड़े सारे बेटे मैंने अलग अलग क्या किए बेटे, मैंने इनके चैप्टर्स बना दिए। आप देखिए, मैंने इनके 4 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, 4 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, 4 चैप्टर्स बनाए। जैसे अगर आप देखें तो ये बेटा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक चैप्टर बना दिया, एक चैप्टर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का बना दिया, एक चैप्टर कैश मैनेजमेंट का बना दिया और एक बड़े पापा बेटे वर्किंग कैपिटल का बना दिया। उम्मीद है कि आप मेरा वर्किंग कैपिटल का लेक्चर देख चुके होंगे क्योंकि मैंने कहा है कि वो प्रेफरेंस 1 में देखना चाहिए। बेटे कुछ चैप्टर्स मैंने बिगिनिंग के वीडियोज में बताए कि आपको कहाँ कहाँ देखने चाहिए, बेटे प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट है बेटे, ये कैश मैनेजमेंट है, अलग अलग टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा जब आप इनको करेंगे। अब बात यह है कि आपके स्टडी में इसको 7 में डिवाइड किया, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बेटे 7A, बेटे एक 7A है, 7A बेटे 7A में मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल और बेटे 7B में लिखा मैंने कैश मैनेजमेंट और 7C में लिखा है जी इन्वेंटरी मैनेजमेंट और 7D में लिखा है जी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो बेटे चारों ही मैनेजमेंट है और चारों ही वर्किंग कैपिटल है। आपको पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक बिजनेस को दो तरह की कैपिटल चाहिए होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल और एक शॉर्ट टर्म। आपने ऑलरेडी चैप्टर किया है, मैं फिर भी हल्की से एंड दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म का मतलब है रिकरिंग नीड्स के लिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसको जो पैसे चाहिए उसको बोलते हैं बेटे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट क्या होता है,
those assets which can be converted into cash within 12 months. जैसे debtors, जैसे 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 cash, जैसे inventory. तो बेटे इनको मैनेज करना भी हमारे को आना चाहिए. इसका मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. बेटे वर्किंग कैपिटल एक तो टोटल है, एक उसके अंदर के छोटे 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 चिन्नी मुन्नी भी तो हैं, हमें वो भी डिस्कस करने हैं. तो मैंने उन सब के लिए अलग अलग वीडियोज बनाया है. लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं रिपीट करूंगा, अगर आप सच में मेरे वीडियोज का फायदा लेना चाहते हैं तो बेटे इस प्रायोरिटी में आपको मेरे वीडियोस करने चाहिए. जैसे पहले आपको मेरा वर्किंग कैपिटल का चैप्टर करना चाहिए 7A, फिर आपको मेरा चैप्टर 3 फाइनेंशियल डिसीजन करना चाहिए, फिर आपको मेरा चैप्टर नंबर 4 राइट शेयर्स करना चाहिए, फिर चैप्टर 2B कैपिटल वेटिंग डिसीजन करने चाहिए, फिर 5B लीज वर्सेज बाय करना चाहिए, फिर बेटे डिविडेंड डिसीजन करना चाहिए, प्रेफरेंसेस बताई है, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहिए, और लास्ट में करना चाहिए 7C इन्वेंटरी मैनेजमेंट, 7B कैश मैनेजमेंट, 7D रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी और आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. जैसे आगे आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी टॉपिक को जैसे मर्जी भी कर सकते हैं. ये सुझाव है, माने तो ठीक, नहीं माने तो भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है. आखिरी हम्बल रिक्वेस्ट आपके लिए, क्योंकि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स वर्किंग कैपिटल के पार्ट्स के देखने वाले हैं, मतलब पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट देखना चाहिए 7C, फिर 7B देखिए कैश मैनेजमेंट, फिर 7D देखिए रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, कुछ भी देखिए. लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी एक अलग से रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में जो जो भी बातें मैंने लिखवाई हैं उनको लिखिए, उन क्वेश्चंस को कीजिए. पहले थ्योरी के वीडियोस देखिए, इनको करने के बाद, क्वेश्चंस करने के बाद आप मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियोस देखिए. यकीन मानिए आप लाइफ को एंजॉय करेंगे और आप प्ले करने लग जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियोस के साथ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल.